इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। हिंदुस्तानी लड़ करके अगर मर जाएंगे तो फिर बाहर से दुश्मन को आने की जरूरत नहीं है। फिर ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें लड़ाया जो जा रहा है, ये अगर ये आरएसएस, ये जो बीजेपी, ये जो हिंदू नाम, हिंदू का नाम इस्तेमाल करके जो है पूरे देश भर में जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल करके जो है अगर माइनॉरिटीज के ऊपर, दलितों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर इस तरह से हमले किए जाएंगे तो आने वाले दिनों में फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा, हम आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि होश में आओ, लोगों को लड़ाना बंद करो, और अगर ये चीज़ें नहीं बंद हुई तो लोग आपस में लड़ करके ही मरते रह जाएंगे और हिंदुस्तान आगे नहीं आएगा। आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, ऐसी बेरोजगारी की हालत में कई औरतों को बेवा किया जा रहा है, कई बच्चों को यतीम किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पर कभी लहू जहाद के नाम पर मारा जाता है, कभी गाय गौ हत्या के बारे में मारा जाता है, और कभी जो है किसी लड़की के नाम पर लेकर के चोरी का नाम लेकर के मारा जाता है। इस तरह के पूरे हिंदुस्तान में जो घटनाएं हो रहे हैं ये सोची समझी साजिशें हैं, ये बड़ी बड़ी संगठनाएं बैठ करके प्लानिंग कर रही हैं और नौजवानों को तैयार कर रही हैं लोगों को, एक एक इंसान को पकड़ करके मारने के लिए। तो इन चीज़ों को हमारी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि ऐसे लोगों को, ऐसा करने वालों को पुलिस अरेस्ट करे, और उसके अलावा कानून बनाने वालों को जो है हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून सख्त बनाया जाए। इस तरह के मॉब लिंचिंग के नाम पर जो है अगर लोगों को मारा गया और ये इसके ऊपर अगर कोई कानून नहीं बनता है तो ये चीज़ आम हो जाएगी, किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई किसी न किसी को आराम से मार डालेगा। तो ये मर्डर करना बहुत आसान हो गया है मॉब लिंचिंग के नाम पर। तो हम चाहते हैं कि कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए और जो लोग अब तक मरे हैं उनको जो है दावनगिरा में भी जो परसों हत्या की गई उनकी फैमिली को 25 लाख रुपये दिया जाए, हमारा डिमांड है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंड थी, और उसके साथ इंसाफ किया जाए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसके पीछे से जो आग भड़केगी वो पूरे हिंदुस्तान को जो है नुकसान पहुंचाने वाली है। इस आग को रोकना हमारे हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारी रिक्वेस्ट है। इत्तेहाद के साथ में जो है हम लोग अपना मैसेज देंगे हुकूमत को, ये बताने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में क्या चल रहा है। मुल्क में आए दिन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, 56 से ज़्यादा लोगों की जानें ली गई हैं मॉब लिंचिंग के जरिए से। तो हम इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए, इसके लिए एक बड़ा कानून बनाया जाए, कड़क कानून बनाया जाए ताकि ये चीज़ें रुक जाएं। क्योंकि आए दिन कई औरतें बेवा हो रही हैं, कई बच्चे जो है यतीम हो रहे हैं, और हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक की वजह से औरतों की जिंदगी बर्बाद हो रही हैं। अगर औरतों की जिंदगी ट्रिपल तलाक की हो रही हैं तो इन बेवाओं का क्या, जिनके जिनके शोहरों को मार दिया गया है।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि पूरे देश में हम जानते हैं कि तबरेज़ अंसारी की मौत को लेकर जिस तरह से एक बवाल खड़ा हुआ है और लोग पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं, तकरीबन 100 से भी ज़ायद शहरों में एहतजाज किया गया। बेलगाम शहर में भी आप उसके तासुरात देख सकते हैं कि किस कदर लोगों के अंदर गम गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है। बेलगाम में भी SDPI की जानिब से ये एहतजाज रखा गया है। इन्होंने अब DC को अपना मुतालबा भी पेश किया हुआ है कि तबरेज़ अंसारी के साथ जो किया गया है, जो मॉब लिंची के वाकयात पूरे देश के अंदर हो रहे हैं और ख़ासकर झारखंड के अंदर जिस तरह से तबरेज़ अंसारी को तकरीबन 18 घंटे बिजली के खंभे को बांधकर उसे मार दिया गया और उसे फिर अस्पताल नहीं लेकर गए बल्कि उसे कस्टडी में लिया गया और उसी में उसकी मौत हो गई, तो इसी बात को लेकर पूरे देश के अंदर, पूरी जनता के अंदर एक गुस्से का माहौल नज़र आ रहा है। बेलगाम के अंदर भी एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं TSS के सदर जनाब आरिफ कटगेरी साहब। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। सलाम अलैकुम। आज तबरेज़ अंसारी जो झारखंड का एक नौजवान, मुस्लिम नौजवान है, जिसे 18 घंटे तक जो है खंभे से बांध कर जो है अजियतें पहुंचाते हुए मार दिया गया। मैं हुकूमत हिंद को आपके इस माध्यम के थ्रू पूछना चाहता हूं कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका भरोसा, जिस तरह से आपने बात की, क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इस मॉब लिंचिंग के ऊपर भी कोई एक कानून बने? हम चाहते हैं कि जिस तरह से तबरेज़ अंसारी हुआ, तो आपके पिछले पाँच साल के टर्म में कम से कम 100 अफराद जो है मामला लिंचिंग के जिद में आ गए थे। आपने इस मामले को भी संजीदगी से न लिया। आखिर इन लोगों को इतनी छूट क्यों दी गई है? आपकी गवर्नमेंट वापस आ गई है। मैं आपको केंद्र सरकार से ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप मामला लिंचिंग के ऊपर सख्त कानून बनाएँ जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाने की ठान ली है। आज जो हिंदुस्तान भर में जो जातिवादी के नाम से कारोबार चला रहे हैं और धार्मिक के नाम पर जो मारपीट जो हो रही है, कभी गाय के नाम पर मारा जाता है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है, कभी जय श्री राम बोलो करके नारा मारने के लिए मजबूर करके मारपीट कर रहे हैं ये लोग। ये हिंदुस्तान को एक अलग रुख दे रहे हैं। जितने लोग ये जुल्म कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दे, और ख़ास करके जो तबरेज़ अंसारी के साथ में जो हुआ, 18 घंटे तक उसे जो है एक खंभे को बांध करके मारा गया। लगता है कि TSS के सदर जनाब आरिफ कटगेरी ने अपने ख्याल का इजहार किया। मुल्क भर में गम गुस्से का माहौल है। लोगों का ये कहना है कि कभी ये भारतवर्ष हुआ करता था, भारतवासी हुआ करते थे, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम के अंदर तकसीम किया जा रहा है। क्या ये हुकूमत वाकई इसके पीछे संजीदगी से सोच रही है? इन्हीं के शय पर ये तमाम मामले हरकत में आ रहे हैं। हो सकता है कि लोगों को एहतजाज को देखकर कानून के अंदर बदलाव लाया जाए और जो गोरक्षा के नाम पर जिस तरह से मॉब लिंचिंग के वाकयात पूरे देश में हो रहे हैं, इस पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।